दोस्तों, काफ़ी कमाल की वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आज मैं यहाँ पर आपको अनबॉक्सिंग देने वाला हूँ रेडमी वॉच की, और आपको इसका एक क्विक रिव्यू भी मिलने वाला है कि भाई क्या आपको बाय करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी कम प्राइस के अंदर में इसको रेडमी ने इंडिया में लॉन्च किया। फीचर्स बहुत सारे प्रोवाइड करती है आपको, तो इसमें आगे आपको सब कुछ पता चलने वाला है, इसके अनबॉक्सिंग और इसका जो फर्स्ट इंप्रेशन है, मुझे कैसी लगी ये स्मार्ट वॉच, आगे मैं आप लोगों के साथ में इसके सारे एक्सपीरियंस को शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम बॉक्स को देखेंगे तो ब्लू कलर का ये बॉक्स काफ़ी सिंपल सा है। सामने में आपको एक फोटो दिख जाती है वॉच की, कैसे वॉच होने वाली है, क्योंकि मैंने ब्लू कलर में ऑर्डर किया है तो ब्लू बॉक्स भी मुझे देखने को मिलता है। बॉक्स दोस्तों बिल्कुल सिंपल है, जैसे खास करके Amazfit की वॉच होती है उसी तरह का बॉक्स पैकेजिंग है। अब फटाफट से बॉक्स को दोस्तों ओपन करते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर में मुझे क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो जैसे दोस्तों बॉक्स को ओपन करते हैं, सबसे पहले आपको वॉच दिख जाती है जहां पर लिखा गया है डिज़ाइन बाय Xiaomi। जैसे एप्पल के खास करके स्मार्टफोन में देखने को मिलता है, वैसे इसमें डिज़ाइन बाय Xiaomi लिखा गया है। और देखते हैं बॉक्स कंटेंट क्या देखने को मिलता है। तो यहां पर आपको दोस्तों मिल जाती है एक चार्जिंग डॉक, जो पुराने टाइप की है, बेस है, जिसमें आपको इस वाले स्मार्ट वॉच को अटैच करना है और चार्ज में लगा देना है। इसके साथ ही साथ आपको एक यूज़र मैनुअल मिलती है जिसमें सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि किस तरह से वॉच को आपको सेटअप वगैरह करना है। तो यहां पर काफ़ी सिंपल सी पैकेजिंग है और बहुत आपको कम ही यहां पर जो है डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देखने को मिलते हैं इस वॉच के साथ में। अब बात करते हैं भाई इसके बिल्ड क्वालिटी को लेके। तो यहां पर बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी लग रही है देखने में। आप देख सकते हो कि यहां पर दोस्तों जो स्ट्रैप्स दिए गए हैं काफी ज्यादा सॉफ्ट हैं और सिलिकॉन के ये बने हुए हैं। साथ ही साथ जो बिल्ड है वॉच की वो प्लास्टिक की है, यहां पर अच्छी प्लास्टिक यूज की गई है, तो यहां पर आपको जो है बिल्ड के हिसाब से काफी ठीक ठाक देखने को मिलती है। लेकिन इसका जो दोस्तों जो स्ट्रैप है वो आप किसी दूसरे वॉच का निकाल के नहीं लगा सकते हो, क्योंकि इसमें दूसरे तरह का स्ट्रैप दिया गया है। तो जब भी आपको चेंज करना होगा तो सिर्फ Redmi वॉच का स्ट्रैप आप इसमें लगा सकते हो। तो ये कमी जरूर सी है, आप कोई थर्ड पार्टी स्ट्रैप Redmi वॉच में यूज नहीं कर सकते हो। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी इसकी काफी सही अभी तक देखने को मिली है। अब जानते हैं दोस्तों Redmi वॉच के डिस्प्ले साइज और इसके फीचर्स के बारे में। तो Redmi वॉच में आपको रेक्टेंगुलर डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो 1.4 इंच की IPS LCD पैनल वाली डिस्प्ले है, कलरफुल डिस्प्ले है, टच स्क्रीन के साथ में आती है। इसका स्क्रीन रेजोल्यूशन है 320x320 पिक्सल्स का, और इसमें आपको बहुत सारे वॉच फेसेस देखने को मिलते हैं। बिल्ट इन इसमें 5-6 ही वॉच फेसेस हैं, लेकिन क्लाउड में बहुत सारे वॉच फेसेस हैं, आप उनका यूज कर सकते हो। वहीं पर अगर ब्राइटनेस की बात हो दोस्तों, तो यहां पर 6 लेवल तक इसकी ब्राइटनेस जा सकती है, और इसमें आप दोस्तों ऑटोमेटिक ब्राइटनेस भी सिलेक्ट कर सकते हो। जो इसमें सेंसर लगा है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा ब्राइटनेस को, और कंडीशन के हिसाब से बेसिकली वो ब्राइटनेस को एडजस्ट कर देगा। अब यहां पर अगर आप मैन्युअली 6 लेवल तक हाई पर एकदम ब्राइटनेस रखते हो, तो उस केस में दोस्तों मैंने नोटिस किया है कि आउटडोर अगर आप बहुत ज्यादा धूप में हो तो शायद से थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, क्योंकि डिस्प्ले उतनी ज्यादा ब्राइट मुझे नहीं लगी है जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था Redmi से। उतनी अच्छी मुझे डिस्प्ले ब्राइटनेस के मामले में फिलहाल अभी देखने को नहीं मिली है। 2.5D कर्व ग्लास का भी यूज किया गया है सामने में, तो डिस्प्ले आपको ठीक ठाक देखने को मिलती है और कलरफुल है, अच्छा खासा इसका जो है टच वगैरह काम करता है। और दोस्तों वॉच का जो UI है बहुत ज्यादा सिंपल है, लेकिन यहाँ पर कोई एनिमेशन वगैरह देखने को नहीं मिला है, बिल्कुल सिंपल से। जैसे आप स्वाइप वगैरह करते हो आपको सारे फीचर्स दिख जाते हैं, सेटिंग्स वगैरह दिख जाती है, बहुत सारे इसमें फीचर्स दिए गए हैं सेटिंग्स वगैरह में, जिनके बारे में हम दोस्तों बात करेंगे जब इसका रिव्यू वीडियो में बनाने वाला हूं। दोस्तों Redmi वॉच में एक हाईलाइटिंग पार्ट है, इसमें बिल्ट इन GPS होना है। इस वजह से काफी बार इसके लॉन्च इवेंट में कंपनी ने GPS के बारे में बहुत ज्यादा बोला है, तो इसमें बिल्ट इन GPS आपको देखने को मिलता है। तो जब भी कोई आप एक्टिविटी करते हो तो उस केस में GPS इसका इनेबल हो जाता है, और काफी अच्छे एक्यूरेसी के साथ में आपका डेटा मॉनिटर करता है। बाद में आप इसको सिंक करके फोन में देख सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर इतनी सी है कि दोस्तों जो भी GPS का डेटा है वो आपको वॉच में देखने को नहीं मिलेगा। जब आप अपनी वॉच को अपने फोन के साथ में सिंक करोगे तो आप फोन में ही देख सकते हो कि आपकी जो है वॉकिंग रनिंग जो भी है वो मैप में किधर किधर से हुई है। तो यहां पर एक कमी जरूर से लगी है, GPS है सही बात है, लेकिन दोस्तों इसमें अगर वॉच में वो सारी डिटेलिंग दिख जाती कि किधर किधर से आप रनिंग वॉकिंग किए हो तो ज्यादा सही होता। वैसे दोस्तों बैटरी की अगर बात करें तो Redmi वॉच में दी गई है 230mAh की बैटरी। कंपनी के हिसाब से 10 दिन का बैटरी बैकअप ये देने वाली है। तो जब मैंने वॉच ऑन की है तो लगभग से 47% के आसपास ये चार्ज थी। अब देखते हैं कि कितने दिन ये बैटरी बैकअप देती है, आपको रिव्यू में पता चलने वाला है। और जो इसका चार्जिंग टाइम है ये भी दोस्तों लगभग से 2 घंटे के आसपास होगा। तो 2 घंटे अगर आप इसको चार्ज करोगे तो लगभग से दोस्तों 7-8 दिन का बैटरी बैकअप आपको इसमें देखने को मिलेगा। वहीं पर दोस्तों नोटिफिकेशंस की अगर बात करें तो Redmi वॉच में आपको हर तरह का नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। यहां पर आप इनके ऐप में जाते हो तो सेटिंग में बहुत सारी कस्टमाइजेशन है, जितनी ऐप्स आपके फोन में इंस्टॉल्ड होगी सबका ऑप्शन आपको मिल जाता है कि आपको भाई किस ऐप का नोटिफिकेशन चाहिए। आप वहां से जाके इनेबल वगैरह कर सकते हो, फोन वगैरह आएगा तो आपको पता चल जाएगा, मैसेज आएगा तो भी आपको पता चल जाएगा, या फिर जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं आपके फोन में सबका नोटिफिकेशन आपको वॉच में देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहां पर आपको बहुत सारे म्यूजिक कंट्रोल के ऑप्शन वगैरह देखने को मिलते हैं, वेदर अपडेट
अपडेट है। तो इस तरह के बहुत सारे फीचर्स आपको Redmi Watch में देखने को मिलता है, जो मेरे हिसाब से काफी सही बात है। अब बात करते हैं भाई Redmi Watch के फिटनेस फीचर्स के बारे में, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसमें आपको हार्ट रेट मॉनिटरिंग मिलता है, जो काफी अच्छे से फिलहाल काम करता है। मैंने ज्यादा देर यूज नहीं किया, 1-1.5 घंटे में मुझे इतना ही पता चला कि इसका हार्ट रेट मॉनिटरिंग काफी ज्यादा ठीक ठाक आपको देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ स्लीप ट्रैकिंग है इसमें, स्ट्रेस डिटेक्शन है, या फिर आप बोल सकते हो कैलोरी कितनी बर्न हुई, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। एयर प्रेशर भी आपको बता देता है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज के भी इसमें आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो ये सारे फीचर्स इसमें काफी अच्छे से काम करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी कमी मुझे देखने को मिलती है Redmi Watch में, वो है दोस्तों इसमें SPO2 सेंसर का ना होना। आज के टाइम पर ये स्मार्ट वॉच 4000 में इंडिया में सेल हो रही है, और 4000 के अगर आप प्राइस सेगमेंट के हिसाब से देखते हो तो SPO2 सेंसर कंपलसरी कंपनी को देना चाहिए था। लेकिन दोस्तों हुआ क्या कि ये वाली स्मार्ट वॉच लास्ट ईयर चाइना में लॉन्च हुई थी, और कंपनी ने अब उसको रीब्रांड करके जस्ट इंडिया में लॉन्च कर दिया है। तो लास्ट ईयर उतना ज़्यादा SPO2 सेंसर की बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं थी, लेकिन अभी आपको पता है कि पूरे दुनिया में कोरोना काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है और इंडिया में सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बंदा सिर्फ GPS के लिए 4000 रुपये लगाएगा किसी भी स्मार्ट वॉच के लिए। इसमें दोस्तों अगर SPO2 सेंसर होता तो बहुत ही अच्छी स्मार्ट वॉच होने वाली थी। अगर आपको SPO2 सेंसर की रिक्वायरमेंट है तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप जो है Redmi Watch की तरफ जाइए। कनेक्टिविटी की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो Redmi Watch Android एंड iOS के साथ में कनेक्ट हो जाती है, क्योंकि इसमें ब्लूटूथ 5.0 आपको देखने को मिलता है। तो इसकी मदद से जो भी कनेक्शन है इसका काफी ज्यादा स्टेबल है, डिस्कनेक्ट होने वाली प्रॉब्लम मुझे करेंटली देखने को नहीं मिली है। बाकी डिटेल में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं Redmi Watch के बारे में। वैसे दोस्तों इसमें भी स्पोर्ट्स मोड आपको 12 से 14 कुछ देखने को मिल जाते हैं, जो काफी अच्छे से काम करते हैं। 1-1.5 घंटे मैंने जितना इसको यूज किया, मुझे ठीक ही ठाक ये स्मार्ट वॉच फिलहाल अभी देखने को लगी है। तो दोस्तों ये मेरे फर्स्ट इंप्रेशन है इस वाले स्मार्ट वॉच को लेके। अब इसका एक डिटेल रिव्यू वीडियो आपको 48 घंटे के बाद मिलेगा, जहां पर मैं पूरी डिटेल में इसको यूज करने वाला हूं, इसके फीचर्स, इसके प्रोस एंड कॉन्स आपको बताने वाला हूं। क्योंकि अभी जस्ट अनबॉक्स किया है तो बहुत ज्यादा डिटेल मुझे भी नहीं पता चली इस वाले स्मार्ट वॉच के बारे में। जब मैं इसको पर्सनली यूज करूंगा तो क्या इसमें कमी है, कौन सी इसमें अच्छी बातें हैं, आगे आपको सब कुछ पता चलने वाला 48 घंटे के बाद में। मैं वीडियो जब अपलोड कर दूंगा आप लोगों को दोस्तों पता चलने वाला है। वैसे दोस्तों आप लोगों का क्या ओपिनियन है Redmi Watch को लेके, जरूर से आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपका कुछ क्वेरी है, इसका कंपैरिजन आप किसी भी स्मार्ट वॉच के साथ में देखना चाहते हो, तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं ट्राई करूंगा कि आपके लिए वीडियो बना सकूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। चैनल पे अगर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दो कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे अपनी अगले वीडियो में।